गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में कक्षा 3 में पाठ 2 उद्यानम द्वितीय पाठ। ये हमारा पाठ उद्यानम और इसमें हमारा जो मुख्य पाठ है उसका पहले मैं आपको सारांश बताऊंगा। पाठ में संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, इसके बाद शब्दार्थ और फिर उसके आगे रिक्त स्थान प्रश्नोत्तर इत्यादि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ दिया क्या है, इदम उद्यानम। इदम उद्यानम यह क्या है, बगीचा है। उद्यान माने बाग या बगीचा। इदम उद्यानम इदम अतीव रमणीयम यह बहुत सुंदर है। रमणीय माने सुंदर, जहाँ हमारा मन जमे, मन हमारे मन को अच्छा लगे वही रमणीय कहलाता है। मन को रमाने वाला रमणीयम हो गया। तो यह उद्यान कैसा है, सुंदर है। एकदम रमणीयम उद्यानम अयम आम वृक्षा। अब उद्यान के अंदर क्या क्या है इसके विषय में जानकारी है। यह आम का पेड़ है, यह अयम आम वृक्षा। एमौ अशोक वृक्षौ यह अशोक के दो पेड़ हैं। एमौ अशोक वृक्षौ माने तौ ते, तौ तौ का मतलब यहाँ दो से है। वृक्षौ वृक्षौ यहाँ दो अशोक के पेड़ हैं। इसके बाद इमे निम्न वृक्षा ये नीम का, ये नीम के पेड़ हैं। नीम के पेड़ बहुत सारे हैं, उसे इमे निम्न वृक्षा कहा गया है। वृक्षा माने बहुवचन है, बहुत से वृक्ष, तो ये नीम के पेड़ हैं। अब इमे हर्ता वृक्षा ये सब कैसे हैं, हरे पेड़ हैं। ये सब हरता माने हरे, ये हरे पेड़ हैं। इमाम हरता वृक्षा इम चंपालता यह चंपालता है। वहां पर लताएं भी है कुछ, उन लताओं में से चंपा लता, चंपा की लता है और अन्य तरह की लताएं हैं, चमेली की लता है, गुलाब की झाड़ियां हैं। इम द्राक्षा लता, द्राक्षा माने आप जानते हैं क्या होता है, अंगूर। यह अंगूर की बेल है द्राक्षा लता। इसके बाद है
इमाम लता, इमाम हरता लता, ये सब कैसे हैं? ये हरी लताएं हैं, माने उनका रंग कैसा है? हरा है, हरा भरा है। इमाम हरता लता इमान मनोहराण पुष्पाण, इमान माने ये सब, मनोहराण माने मन को हरने वाले सुंदर, पुष्पाण माने फूल, पुष्पाण माने अनेक फूल, बहुत से फूल। कैसे फूल हैं? मनोहराण सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। इसके बाद है तानि सुगंधि तानि पुष्पाणि, तानि वे सब कैसे हैं? उनमें सब क्या है? सुगंधितान, सब सुगंधित पुष्प हैं या सुगंधित फूल हैं। सुगंधितान जिनसे सुगंध आती है, जिनसे सुंदर सुंदर सुगंध आती है, जो हमें सांस लेने में अच्छी लगती है। उसके बाद है अयम मयूरा, अयम माने यह क्या है? मोर है, मयूरा माने मोर। अयम मयूरा इमे कपोता, इमे माने ये सब क्या है? कपोता माने कबूतर है, ये सब कबूतर है, इमे कपोता। इसके बाद है इमे मनोहरा सुखा, ये बहुत सुंदर सुंदर क्या है? सुखा माने तोते, एक तोता नहीं अनेक तोते, बहुत सारे तोते वहां पार्क में पेड़ों में मीठी वाणी बोल रहे हैं और इधर से उधर उड़ रहे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं बोल रहे हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। मनोहरा सुखा रम्यम इदम उद्यानम, यह उद्यान कैसा है? बगीचा कैसा है? रम्यम बहुत सुंदर है, अच्छा लगने वाला है, यहाँ देखने में बहुत सुहावना लगता है। रम्यम इदम उद्यानम, यह बगीचा अधिक सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसके बाद है रम्यम इदम उद्यानम, उद्यानम सुखदायकम, और बगीचा कैसा है? सुखदायकम, उद्यानम सुखदायकम, यह हमको सुख देने वाला है। सुख का मतलब है जिसमें हमें आराम मिले, अच्छी शुद्ध हवा मिले, सुगंधित पुष्पों की सुगंध है, आंखों को देखने में हरियाली और तरह तरह के पुष्प नजर आए, तो इसे क्या कहते हैं? उद्यानम, उद्यान वाटिका बगीचा। तो ये बगीचा आरामदायक है, एक सुखदायक माने आरामदायक यह बगीचा है, जो हमारे शरीर को आराम देता है। अब यहाँ शब्दार्थ के बच्चों उनको मैं लिखवाऊंगा, आप लिख लीजिए। Yeah.
माने बाग अभियु अभियु माने बाहु रमणीयम 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 के बाद है आम वृक्षा So दोनों पेड़ अंता नीम के पेड़ राक्षसा Thank you.
मूल की बच्चों ये आपके शब्दार्थ हो गए और आपके अर्थ हो गए। हिंदी में संस्कृत से अनुवाद बता दिया गया, तो आपको ये सब याद करना है और दोहराना है, अपना पाठ पूरा करना है।